ये I8 में ये चाय का ढाबा है, बेहतरीन चाय यहाँ मिलती है जी। दोस्तों के साथ हम चाय पीने, शेख साहब कैसा चाय का जायका है सर? दूध पति इस कभी की चाय का मजा कुछ हो रहा है। टेस्ट डेली बेसिस पे इंशाल्लाह आएंगे, आज सेकंड टाइम है। हाँ गुड, दोस्तों को साथ लेके आए बस डेली बेसिस करेंगे। बरसात का मौसम है। हाँ जी आतिफ, आप क्या कहते हैं सर? पता नहीं ये इसमें क्या चीज मिक्स करता है, लेकिन इसका जो टेस्ट है बड़ा यूनिक है। ग्रेट जी, ये बड़ी जबरदस्त चाय है इस मौसम में, और खराब रास्ते के बावजूद हम चाय पी रहे हैं जी। रास्ता तो वाकई बारिश में काफी खराब लग रहा है। ये बिल्कुल I8 ये बीकन हाउस के सामने ढाबा है यहाँ पे जी। सर आप क्या कहते हैं? सर चाय जो है ना बेहतरीन है, और ये पीने के लिए हम जो है ना इसीलिए इन ऊंची नीची राहों से गुजर के आए। ये जी देखे जी ऊंची नीची राहों से। आफ्ताब आलम को दावत देता हूँ, आ जाए हमारे साथ कंपनी करें चाय पे खाने पे, क्योंकि रात का खाना है आफरीदी के साथ रज के खाएंगे। वेलकम मिस्टर आफ्ताब आलम। हाँ जी, ये आफ्ताब आलम के लिए पैगाम था, और आपने कोई पैगाम देना है आफ्ताब आलम को? सर हम तो लाले के इंतजार में जो है ना आंखें बिछाए बैठे हैं। हाँ आए और हमारे साथ जो है ना ज्वाइन करें। गुड भाई, आपने आफ्ताब आलम कुछ बुलाना है? बिल्कुल, वी वेलकम एंड वी एंजॉय हिज कंपनी। गुड सर, ये पैगाम फिर आफ्ताब को चला जाएगा। आफ्ताब साहब यू आर मोर देन वेलकम टू टुनाइट्स डिनर होस्टेड बाय आफरीदी साहब। चले जी नाज़रीन, ये तो हम अपने दोस्त की बात कर रहे थे, लेकिन असल बात ये इस ढाबे की चाय की थी। एक कप पियो तो दिल करता है कि दूसरा कप भी हो जाए। भाई क्या ख्याल है, दूसरा कप पीना है क्या? इस ढाबे की ये खास बात है। हालांकि देख लें कुछ नहीं, लेकिन चाय में जायका इतना है कि ये जायका में किसी होटल पे या किसी बड़े होटल पे नहीं मिलता। जहाँ भी जाते हैं बस वो पानी गर्म करके उसमें चीनी डाल के पिला देते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठो तो पता लगता है कि चाय बनती कैसे है। ये बड़ी होटल वालों को, इन छोटी होटलों से सीखना चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ हम ही हैं इसके शिदाई, हमारे काफ़ी सारे दोस्त और भी आ रहे हैं जो इसी के शिदाई हैं, और देख रहे हैं कि ना उनको कोई रास्ते की परवाह है, ना वो अपनी उम्र की परवाह कर रहे हैं, ना इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है चाय की तरफ है कि चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चले जी ये थी हमारे दोस्तों की कहानी। तो नाज़रीन अब इस्लामाबाद आए तो आप ज़रूर इस गंदे नाले के साथ, बीकन हाउस स्कूल भी है, आप गंदा नाले का नाम सुन के नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि गंदे नाले के ऊपर ही बीकन हाउस स्कूल भी है जहाँ पूरी दुनिया के बच्चे पढ़ने आते हैं। जो अच्छी है उधर ही गंदे नाले के साथ ही मिलती है। हाँ अच्छी चाय गंदे नाले के साथ मिलती है, जिसको पीनी है वेलकम वेलकम। ओके जी अल्लाह हाफिज़।